कृषकवासियों को नए वर्ष 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रदेश के सम्मान्य मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हमारा हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ता रहे, इसकी भी मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष के आगमन में कृषकवासियों को हार्दिक बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश में ऐसा ही विकास चलता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई। वन मंडल करसोग के सेरी मानगढ़ में लगभग 15 लाख रुपए से बनी वन निरीक्षण कुटीर का लोकार्पण प्रदेश के वन मंत्री गोविंद ठाकुर द्वारा किया गया। इस मौके पर करसोग के विधायक हीरालाल, वन मंडल अधिकारी राजकुमार शर्मा, सराज क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता जोधवीर सिंह ठाकुर सहित अनेकों महिला मंडल, युवक मंडल, उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। सेरी मानगढ़ में वन विभाग द्वारा निर्मित की गई निरीक्षण कुटिया का उद्घाटन करते हुए वन मंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र में ये सुविधा पर्यटकों तथा अन्य लोगों अधिकारियों को जहां ठहरने की सुविधा देगी, वहीं पर्यटकों को भी इस क्षेत्र में आने का न्योता देगी। इस मौके पर गोविंद ठाकुर ने स्थानीय लोगों की मांग पर विशाल खेल मैदान तथा सामुदायिक भवन निर्माण किए जाने वाली मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि इसके बारे में जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समारोह के दौरान परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर का वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने जहां गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वहीं अनेकों महिला मंडल, युवक मंडल के सदस्यों ने ढोल नगाड़ों से उनका अभिनंदन किया। समारोह के दौरान वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने स्थानीय लोगों की अनेकों समस्याओं को भी सुना तथा पूरा करने का आश्वासन दिया। हमारे को जो है यहाँ पर 4 कमरे देने की और व्यवस्था करें आप, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमें आग्रह करेंगे। उसके पश्चात जो पहले भी यहाँ पर बात हो रही थी कि जो ये ग्राउंड है, यहाँ पर हमारा मेले का आयोजन किया जाता है और मेला हमारे देवता श्री नारायण जी का किया जाता है और श्रावण महीने में होता है, और युवक मंडल का भी यहाँ पर स्थान है और सारी गतिविधियां युवक मंडल की यहाँ पर की जाती है। जो हमारे ग्राम पंचायत रेहड़ में भी एक जगह जो खेल के लिए अगर एक जगह ऐसी है वो यहीं पर तैयार की जा सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने जो है इस ग्राउंड को का भी विस्तार करना है। उसके लिए ये बहुत साहब से भी बात हुई, आपसे भी बात हुई, उसके लिए जो आप ग्राउंड के नाम से भी कुछ पैसा दें और हमारे सामुदायिक भवन का निर्माण हमने यहाँ पर करना है, एक अच्छा सामुदायिक ग्राउंड हॉल टाइप बनाना है, उसके लिए आप धनराशि की भी व्यवस्था करें। भवन आपको बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे, उसमें हॉल बने, मल्टीपर्पज, हर तरह का काम उस सामुदायिक भवन में हो, और उसी सामुदायिक भवन में ही इस प्रकार का डिजाइनिंग ड्राइंग करें कि 4-5 अच्छे आलीशान कमरे उसी में ही और तैयार कर दें। अब उससे क्या होगा, ना तो जगह खराब होगी, एक सुंदर भवन बने, नहीं तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे बच्चे जब जवान होंगे इनको पता भी नहीं चला काष्ठकुड़ी होती क्या थी। अब काष्ठकुड़ी के जो लकड़ी पत्थर के जो हमारे पुराने घर है, देखो कितने सुंदर है। अब अगर बने तो उस डिजाइन पर बनना चाहिए। और एक यहां पर अभी प्रधान में आते आते कहते कि जो लड़के युवक मंडली की बात पक्का मान लेना आपने। अब युवक अच्छी बात है, नौजवान बच्चों को अच्छी संगत मिले, गलत दिशा में ना जाए, और जब पढ़ाई के अलावा जो टाइम बचे उसमें बच्चे खेल कूद करें। और यहां पर आपको जो ग्राउंड चाहिए, बाउंड्री वॉल चाहिए, पैसा जितना भी लगेगा उसका एस्टिमेट बन जाएगा, सारा का सारा धन उसको वन विभाग प्रोवाइड करवाएगा, बहुत अच्छा मैदान और सब बना करके आपको देंगे। नए वर्ष पर कृपा जनरल स्टोर करसोग की ओर से करसोग वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया साल आ रहा है, तिलक इंटरप्राइजेज की ओर से सभी करसोग वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। नया साल आने वाला है, करसोग वासियों को ब्रजेश्वरी ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया सेवा का मौका दें, धन्यवाद। नया साल आने वाला है, मेरी ओर से सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद।
वर्ष 2019 आने वाला है। कृषक वासियों व प्रदेश वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नया वर्ष आपके लिए खुशियां लाए। नव वर्ष आ रहा है, नव वर्ष के आगमन पर कृषक की समस्त जनता व सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई, धन्यवाद। नव वर्ष 2019 आने वाला है, सभी कृषक वासियों को ओम इलेक्ट्रॉनिक्स कृषक की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आने वाला जो 2019 का नववर्ष है उसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी कृषक वासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, धन्यवाद। नव वर्ष आ रहा है इसलिए कृषक वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। नव वर्ष के आगमन पर कृषक वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, धन्यवाद। नया वर्ष आने वाला है 2019 का, हम स्वागत करते हैं और इस नए साल के लिए मैं सभी कृषक वासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। नव वर्ष के आगमन पर कृषक वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई, धन्यवाद। नमस्कार, नया साल जो आने वाला है इसके लिए श्याम कलेक्शन की ओर से संपूर्ण कृषक वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नव वर्ष 2019 के आगमन पर कृषक वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आपकी हर मनोकामना को पूरी करे, धन्यवाद। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। नव वर्ष 2019 आने वाला है, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से 2019 के आगमन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।